So what's up everyone, it's your boy the Catalyst Shredder PANKAJ and I'm back again with another interesting video. So guys, इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन होल्डर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो और कैमो पेंट में तो वो बहुत तगड़ा लगने वाला है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो हे गाइस, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा मोबाइल फ़ोन कवर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि बहुत बेकार है दिखने में, इसलिए अब मैं इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा रहा हूँ, जिस वजह से जब मैं इस पर पेंट करूँ तो पेंट की जो लेयर है यानी कि जो पेंट है वो चिप ऑफ होकर ना टूटे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे ना, और उसकी लाइफ बहुत लंबे समय तक बनी रहे। इसीलिए मैंने अच्छी तरीके से मास्किंग टेप से अपने फ़ोन कवर को कवर कर दिया है, जैसे कि अब आप ये देख पा रहे हैं। आपको भी एकदम ऐसा ही करना है। सो गाइस, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि मैं अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ मैंने एक्स्ट्रा जगह यानी कि जैसे कि कैमरे की स्पेस, स्पीकर की स्पेस, नीचे से चार्जिंग केबल, फ्लैश, हेडफोन जैक, जो भी पोर्ट्स होते हैं उन सब की जगह जहाँ पे मैंने मास्किंग टेप लगा दिया था उसे अच्छी तरीके से मैंने एक कटर की मदद से कट कर दिया है। सो गाइस, अगर आपने ये सभी स्टेप्स को अच्छी तरीके से फॉलो कर दिया है तो आपका जो मोबाइल फ़ोन कवर है वो कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए मास्किंग टेप को कवर करने के बाद। तो इसके बाद आपको एक बेस लेयर ऑफ पेंट देनी है। मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर से पेंट कर रहा हूँ, ये कलर नॉर्मल कलर नहीं है, ये एक एक्रेलिक पेंट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी बेस लेयर के लिए आपको अच्छे तरीके से हर जगह पेंट करना होता है, पूरे एरिया में आप सरफेस में पेंट कर दीजिए। इसके बाद क्योंकि मैं इम्पेशेंट थोड़ा, इसीलिए मैंने एक हेयर ड्रायर से पूरे सरफेस को अच्छी तरीके से ड्राई कर रहा ताकि जो पेंट है वो सूख जाए। सो गाइस, अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि मैं अब ये ब्राउन कलर अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ये ऐसे ही अप्लाई कर रहा हूँ और फिर ये ड्रायर से इस पर सुखा भी रहा हूँ। तो अब जैसे जैसे आप इस वीडियो को आगे देखते रहेंगे तो आपको समझ आता रहेगा, तब तक कि आप इस वीडियो को फॉलो करते रहिए क्योंकि ये एक कैमो डिज़ाइन बनता जाएगा। तो बाकी अब आप ये देखते रहिए। सो गाइस, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि पेंट अपने आप ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता जा रहा है, आपकी नज़र पेंट पे और ज़्यादा जा रही होगी। ये बहुत वाइब्रेंट कलर्स होते हैं जो कि बहुत आई कैचिंग होते हैं, और जो हमारा फ़ोन कवर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखने में बहुत अच्छा है, दिन में और अच्छा लगेगा, रात में थोड़ा हो सकता है कि अच्छा ना लगे, लेकिन जब इस पर लाइट पड़ती है तब ये रिफ्लेक्ट करते हैं इसके कुछ कलर, जैसे कि येलो और ग्रीन, लेकिन ये पेंट बहुत सुंदर दिख रहा है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर दे लाइक, मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबाना ना भूले, उससे ये फायदा रहेगा जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूंगा, मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेंगे आर्ट रिलेटेड कंटेंट, DIY, साइकिलिंग रिलेटेड कंटेंट और ब्लॉग्स। तो मेरे चैनल का कंटेंट जाके देखो, बहुत वीडियोस हैं, देखो पता चलेगा मेरे चैनल पे आपको कैसा कंटेंट देखने को मिलेगा। क्वालिटी इंप्रूव हो ही जा रही है, आप भी देख पा रहे होंगे, इंट्रो आउट्रो एडिटिंग सब बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन सब चीज़ों की और सबसे आपको बेस्ट क्वालिटी लाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो उन सभी के साथ जिन सबको आप जानते हो, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स के मोबाइल से सब्सक्राइब कराओ। टिल देन दिस इज द कैटलिस्ट शेडर पंकज साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विथ मी बाय फॉलोइंग मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स Instagram, Facebook एंड Twitter। द IDs फॉर द सेम हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन योर स्क्रीन।